नमस्ते, आई एम कंचन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BHMS और ये मेरा सेकेंड ईयर है अभी। आपने मुझसे पूछा है कि आपके एसोसिएशन और अचीवमेंट्स और एम्बिशंस क्या रहे हैं एम फोर सेवा छात्रालय के साथ। तो मैं अपने जो मेरे एसोसिएशन थे, मेरी संगति थी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पे सब अलग अलग जगह से बच्चे आए थे और सब वहाँ पे आके एक ही सिचुएशन में एक जैसे रहने लगे थे। सब अपना काम सेल्फ डिपेंडेंट थे। वहाँ पे हमने सीखा कि कैसे एक स्टूडेंट को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना काम कैसे स्वयं करना चाहिए। उसके बाद मैं अपने अचीवमेंट्स बताना चाहूँगी आपको कि अचीवमेंट्स मैंने वहाँ पे क्या सीखा। मैंने वहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था और 12th के बाद मैंने वहाँ से मतलब मैं आ गई घर पे। उसके बाद मैंने वहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी है। मेरे लिए वो बहुत सब कुछ अलग था। वहाँ पे सबको एक साथ रहना, एक रूटीन में फॉलो करके एक ही साथ रहना, और जो भी एक्टिविटी है जिसको जो पसंद है वो एक्टिविटी भी वहाँ पे कराई जाती थी। डांस कराए जाते थे, आर्ट कराया जाता था, मतलब जिसमें जिसको इंटरेस्ट था वो सब भी कराया जाता था। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। उसके अलावा मेरे एम्बिशंस के बारे में आपने पूछा है, तो एम्बिशंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मुझे चाहिए, जो मैं बनना चाहती हूँ, जब तक वो मुझे लक्ष्य मिल नहीं जाता तो तब तक मैं अपनी मतलब अपना हार्ड वर्क दूंगी और मैं कभी भी स्टॉप नहीं होंगी। मैं एक हमेशा एक ऑनेस्ट इंसान रहूँगी और मैं हमेशा डिवोटेड रहूँगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और जितने मतलब हमने एम फोर सेवा से हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ सीखने को मिला है, मेरे हिसाब से एम फोर सेवा की जर्नी मेरे लिए ही मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर मैं एम फोर सेवा में नहीं आती तो मुझे नहीं लगता है कि जो अभी मैं मेडिकल कर रही हूँ वो मैं कर रही होती। वहाँ से जो लाइफ स्टाइल हमें सीखने को मिला है, जिस तरह से हम वहाँ पर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस रहा है। और अभी भी मैं एम फोर सेवा को दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर हमें एम फोर सेवा यहाँ नहीं बुलाता, या अगर वो जो जिस गर्ल्स हॉस्टल में मैं पढ़ी हूँ अगर वो नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। उसके लिए थैंक यू। नमस्ते।